विश्व प्रसिद्ध तीज महोत्सव आज, दरअसल आज और कल मनाया जाएगा विश्व प्रसिद्ध तीज उत्सव। पर्यटन विभाग में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन एक खास कार्यक्रम आपको जानकारी देते हैं कि जो होने वाला है वो है 5:45 पर तीज की शोभा यात्रा निकलेगी। त्रिपोलिया गेट से शोभा यात्रा की शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग वैश्विक स्तर पर करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी। शहर में भी चुनिंदा स्थानों पर एलईडी स्क्रीन पर होगा टेलीकास्ट। ड्रोन के माध्यम से तीज की सवारी पर पुष्प वर्षा की जाएगी और ये भी बेहद अनोखा हाईटेक नजारा होगा। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है। वैसे तो हर साल और भी भव्य हो जाता है ये खास कार्यक्रम जब तीज की सवारी निकलती है, तीज महोत्सव मनाया जाता है पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए। हालांकि राजधानी जयपुर को तो त्योहारों की नगरी भी कहा जाता है, लेकिन हर एक जिले में बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार बहुत कुछ हाईटेक। तो एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, इस बार बहुत कुछ खास होने वाला है। हालांकि हम तो यूं कहेंगे कि हर साल ही बहुत खास और भव्य हो जाता है जब गणगौर या तीज माता की सवारी निकलती है, लेकिन इस बार हम इसे हाईटेक कहें तो गलत नहीं होगा। आप विस्तार से जरा जानकारी दीजिएगा। पूनम, सबसे पहले सुप्रभात। हरियाली तीज, सावन की तीज की आपको और हमारे तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए, तीज पे एक ऐसा संयोग भी देखने को मिलता है, क्योंकि तीज कहा जा सकता है कि प्रदेश में और देश में महिलाओं का जो सबसे बड़े त्योहार आते हैं उनमें से एक है। और खास बात यह है कि प्रदेश में देखिए आप संयोग, प्रदेश की जो पर्यटन मंत्री है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वो महिला है, जो वन और जो पर्यटन और कला संस्कृति विभाग की जो प्रमुख सचिव है वो महिलाएं, गायत्री राठौर, पर्यटन निदेशक रश्मि शर्मा महिलाएं हैं, और ऐसा प्रयोग बन पड़ा राजस्थान के अंदर। यही कारण है कि जो तीज महोत्सव है इस बार वो बहुत हाईटेक भी होने जा रहा है, बहुत वैश्विक होने जा रहा है और बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत आकर्षक ये आयोजन होने जा रहा है। आयोजन से पहले ही कल जिस तरह से हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि एक सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं अलग अलग स्मारकों पर, स्मारकों के अंदर वहां पर तीज के रंग, राजस्थान के संग सेल्फी बोर्ड लगाए गए जिनमें पर्यटकों ने सेल्फी ली। और आज शाम को 5:45 पर सिटी पैलेस के त्रिपोलिया गेट से तीज माता की जो शोभा यात्रा बाहर निकलेगी, तो उसके साथ सैकड़ों की संख्या में जो लोक नृत्य और संगीत के जो कलाकार हैं, खासकर कच्ची घोड़ी की बात करें, गैर की बात करें, कालबेलिया की बात करें, चक्री नृत्य की बात करें, तमाम जो नृत्य हैं कि विविध जो परंपराएं हैं, जो विधाएं हैं, उनके जो कलाकार हैं वो नृत्य पेश करते जाएंगे। सजे जदे जो ऊंट होंगे, वो हाथी होंगे, जो घोड़े होंगे, बिल्कुल वो एकदम सजे धजे होंगे और निश्चित तौर पर उनका भी एक अलग आकर्षण होगा। खास बात यह है कि इस बार तीज को बहुत ग्लोबल बनाने के लिए हमारे मेले उत्सव लोगों तक पहुंचे पूरे विश्व स्तर पर, अक्रॉस द ग्लोब, उसके लिए इस बार जो पर्यटन विभाग है वो अपने तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें इनका लाइव टेलीकास्ट करेगा। पूरी तीज माता की जो शोभा यात्रा निकलेगी, क्योंकि सिटी पैलेस के त्रिपोलिया से निकल करके तालकटोरा तक जाएगी, तो बहुत एक भव्य शोभा यात्रा देखने को पर्यटकों को मिलेगी देश दुनिया की। साथ ही साथ बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है शहर में कई प्रमुख स्थलों पर, ताकि वहां के लोग इस उत्सव से अपने आप को जुड़ सके, क्योंकि बरसात का मौसम है, हो सकता है कि बरसात भी हो शाम को तो ज्यादा लोग वहां पहुंचने से कतराएं और अपने घर पे बैठ के इसको देखना चाहें या शहर में अलग अलग स्थानों पर इसको देखना चाहें, तो एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। ड्रोन की व्यवस्था की गई है, ड्रोन से तीज की जो शोभा यात्रा होगी उसके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी, वो एक अलग आकर्षण देखने को मिलेगा। सामने तमाम जो हिंद होटल है उसके ऊपर उसका जो टेरेस है उस पर बैठने की व्यवस्था की गई है पर्यटकों के लिए, जो मीडिया कर्मी उनके लिए वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्था चाक चौबंद। और खास बात देखिए कि दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है, पर्यटन मंत्री भी है, उनके निर्देश पर इस बार तमाम जो नवाचार किए गए निश्चित तौर पर उससे एक दिन पहले ही, तीज आने से पहले, आज तीज है लेकिन कल और परसों का जो दो दिन निकले हैं उसमें इतने लोग जुड़ चुके हैं ग्लोबली, क्योंकि जिस तरह से जो उसका एक वर्चुअल टूर्स कराया गया, वर्चुअल एक दिखाया गया कि किस तरह से हम तीज मनाते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है तीज, किस तरह से हमारी महिलाएं हरियाली तीज के ऊपर व्रत रखती हैं, उसकी पूजा अर्चना करती हैं विविध तरीके से। तो निश्चित तौर पर हम कोशिश ये की जा रही है, अब चूंकि ये पहला ऐसा उत्सव है तीज उत्सव जिसके जरिए इस तरह के प्रयास किए गए, नवाचार किए गए, आने वाले जितने भी इवेंट हैं, जो दूसरे जो उत्सव होंगे, वो जो दूसरे जो तीज त्यौहार होते हैं, उन तमाम को लेकर इस तरह की तैयारी पर्यटन विभाग कर रहा है कि उनको भी वैश्विक स्तर पर पर्यटकों को जोड़ें, हम हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, बताएं लोगों को कि हमारी आस्था के प्रतीक किस तरह से हैं, आस्था के पीछे जो उसकी वैज्ञानिकता है वो किस तरह से है, किस तरह से मिलजुल कर हम लोग तीज त्यौहार और जितने भी मेले उत्सव उनको मनाते हैं, तो संस्कृति का प्रचार प्रसार भी इसके साथ साथ होगा, साथ ही साथ नए पर्यटक भी जुड़ेंगे। और आकर्षण ऐसा है, देखिए तीज उत्सव का तो पूनम आपसे बेहतर तो इसको कौन जान सकता है, इतना आकर्षण है कि देश दुनिया के जो पर्यटक है वो इस बात पर टकटकी लगाए रहते हैं कि
ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से वो शाम को तीज के दिन वो त्रिपोलिया पहुंचे और इस उत्सव को देखें कि किस तरह से पालकी में बैठकर जब तीज की शोभा यात्रा निकलेगी तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक भव्य आकर्षण होगा। साथ ही साथ जिस तरह से कलाकार वहां पर प्रस्तुति देंगे, जिस तरह से पुष्प वर्षा की जाएगी, तो एक नवाचार किए गए। उम्मीद है कि आज जो उत्सव की शुरुआत होगी, क्योंकि कल भी चलेगा, दो दिन तीज की शोभा यात्रा निकलती है, तो उम्मीदें की जा रहे हैं कि आज जिस तरह से पर्यटकों का उसका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, माना जा रहा है कि अब तक का सबसे भव्य तीज उत्सव होगा और आज तो मौसम भी मेहरबान है, तो कहा जा सकता है कि रंगीलो राजस्थान, हरियाली तीज। और पूनम, एक बार आपको और हमारे पर्यटकों को दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी, शुभकामनाओं के लिए और इस जानकारी के लिए लगातार।